छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है, चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सब लोगों, मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को, हमारे सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको नेशनल लेवल की बात करना चाहता हूं। आपको दिख रहा है कि देश में काफी लोगों को पिछले सालों में बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना से पहले भी जो हमारे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन पर एक के बाद एक सरकार आक्रमण कर रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था समझनी है तो ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं, एक संगठित अर्थव्यवस्था, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, उसमें हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं और लाखों करोड़ों गरीब लोग। अब कांग्रेस की जहां भी सरकार होती है, हम इन दो अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है, सिक्योर है, तो वो कोई भी शॉक को अब्सॉर्ब कर देगी। अब हुआ क्या कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को बिग बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। कैसे आक्रमण किया मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों से कहा, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और उनसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में डलवाया। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने जो संगठित व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10-15 उनके मित्र क्रोनी कैपिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, उनका कर्जा माफ करने का। उसके बाद जीएसटी, ये जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है। आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूं। जीएसटी में अलग अलग टैक्स लगा है, 4-5 अलग अलग टैक्स। ये 4-5 अलग अलग टैक्स क्यों है? क्योंकि जो मजबूत आदमी है वो आसानी से जाकर जहां उसे पहुंचना होता है पहुंचकर वो टैक्स बदल सकता है, मगर जो किसान है, जो असंगठित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई पहुंच नहीं। तो ये जीएसटी भी जो हमारे प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ जैसे, उनको चोट मारने का तरीका है, और गरीबों से पैसे छीनकर उन्हीं 15-20 सबसे अमीर लोगों को पैसे देने का तरीका है। जीएसटी के बाद कोरोना आया बिना कोई नोटिस के। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश बंद कर, मैं मजदूरों से मिला, इन्होंने मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बिना वार्निंग के क्यों किया, एकदम क्यों किया? इसके पीछे सोच थी। सोच ये थी कि जो हमारे असंगठित अर्थव्यवस्था है उनको चोट पहुंचानी, रास्ता साफ करना। हमने मोदी जी की सरकार से कहा, एकदम आप पैकेज दीजिए, रुकिए मत, बिना सोचे छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को आप पैसा दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया नहीं दिया। पैसा किसको दिया? लाखों करोड़ रुपए उन्हीं 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी आपको नहीं मिल सकती, मगर उन 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है? उन 15 लोगों को मतलब लाखों करोड़ रुपए टैक्स ब्रेक में दिया जा सकता है। आपने क्या गलती की है? छत्तीसगढ़ प्रदेश ने क्या गलती की है? छत्तीसगढ़ के किसानों ने, मजदूरों ने क्या गलती की है कि जो आपका हक है आपको नहीं मिल सकता मगर उनके जेब में जा सकता है? और इसका नतीजा आएगा, एक बात समझनी होगी, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को देती है। ये लोग कौन है? ये छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखना, जैसे ही मॉरिटोरियम उतरेगा,
एक के बाद एक कंपनियां गिरेंगी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खत्म हो जाएंगे, और आप जानते हो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। ये देश अपने युवाओं आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा। और ये अब दिखने को मिले, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारा देश, 70 साल में ये कभी नहीं हुआ, हमारा देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। और आप मेरी बात अभी मत मानो, कौन नहीं राहुल गलत बोल रहा है, जैसे कोरोना के समय कहा था, नहीं राहुल गलत बोल रहा है, मैंने कहा था जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ाया, बात मत मानो। 6-7 महीने रुक जाओ, आपको दिख जाए कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार देने वाले जो लोग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले किसान, ये रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यही बर्बाद होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? छत्तीसगढ़ में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले देश को जोड़ने का काम, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम। और फिर जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हो, दुकानदार हो, उनकी आवाज उठाने का काम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें संगठित अर्थव्यवस्था पे आक्रमण करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को असंगठित अर्थव्यवस्था और संगठित अर्थव्यवस्था के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर यह बैलेंस टूट गया, इस देश को बहुत बुरा नुकसान होने वाला है, और नरेंद्र मोदी जी ने इस बैलेंस को तोड़ दिया है। तो हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है, एक तरफ असंगठित लोगों की मदद करने का है, उसमें मनरेगा शामिल है, भोजन का अधिकार, किसान को पैसा देने की योजना है, यह सब है, और दूसरी तरफ जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, यह हमारी जिम्मेदारी। और जहां भी बीजेपी और आरएसएस एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है, जहां भी ये लोग नफरत कराते हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को खड़ा होकर लोगों को जोड़ने का काम। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ रहे हो, और छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे मंत्री सब मिलकर ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करने की कोशिश कर, और गरीबों की, कमजोर लोगों की रक्षा कर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।